हाय एवरीवन एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो इसमें आप देख रहे हैं सुंदर सुंदर पोर्तुले का फ्लावर्स, और ये मैंने मटके को तोड़ करके गमला बनाया हुआ था और ये बिल्कुल बेजान हो रखा है, तो इसमें मैंने इसे लगा रखा है। फ्लावरिंग आप देख सकते हैं इसमें कितने अच्छे से हो रखी है, यानी कि अगर हम काउंट करने लगें तो मोर देन 50 हैं ये फ्लावर्स, और एक ही जगह पे दो दो फूल भी खिले हुए हैं, यानी कि एक ब्रांच में दो फूल भी आए हुए हैं इसमें। और साथ ही साथ देखिए कितने प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं। मैंने इसमें येलो कलर, पिंक कलर और पिंक एंड वाइट के वेरिएशन में भी कलर्स लगा रखे हैं, तो देख सकते हैं आप कितने प्यारे लग रहे हैं। और चारों तरफ ये इसके गमले के फैले हुए हैं, तो इस तरीके से बेल इनकी लटक आई है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही है। तो पोर्तुले का या फिर जिसे 10 बजिया का पौधा भी कहा जाता है, मोस रोज भी कहा जाता है, काफ़ी सारे नेम हैं इस प्लांट के। बहुत ही आसानी से लगने वाला पौधा है, लो केयर प्लांट है एकदम। आप इसकी छोटी सी एक ब्रांच भी तोड़कर लगा देते हैं, आपको इतनी सी भी इसकी ब्रांच कहीं पर मिल जाती है आप वो भी लगा देंगे तो भी ये आपके पास बहुत ज़्यादा घना हो जाएगा, और ये मिल भी बहुत आसानी से जाता है, नर्सरी में आपको फ्री में भी मिल सकता है। तो ये देखिए कितने मतलब अच्छे अच्छे कितने प्यारे प्यारे फूल इसमें खिले हुए हैं। और आज जो है इसमें येलो कलर का फ्लावर आया हुआ है और साथ में ये वाले खिले हुए हैं, तो देख सकते हैं आप हर एक फूल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और इसका जो फ्लावर का टाइम होता है वो एक ही दिन का होता है, यानी कि एक दिन के लिए फ्लावर खिलता है। अभी जैसे 10 बजने वाले हैं, 10 बजे के आसपास ये फूल खिला है, और शाम को जैसे ही जो है सूरज छिपना स्टार्ट होगा वैसे ही ये फ्लावर है ये भी मुरझाना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इस पूरे के पूरे प्लांट का एक प्रोसीजर रहता है, इस तरीके से ये जो फूल है डेली इसमें नए नए फ्लावर्स खिलते हैं। आप इसे बहुत आसानी से लगा सकते हैं, बहुत सारे कलर इसमें आते हैं, जैसे आप देख रहे हैं मेरे पास येलो कलर है, पिंक है, पिंक के अलावा इसमें वाइट कलर मिल जाता है, और जो डार्क पिंक कलर होता है वो भी मिलता है, ब्लू भी मिलता है इसमें, रेड भी मिलता है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे इसमें हमें कलर्स देखने को मिल जाते हैं। खाद इसके लिए बहुत अच्छी होती है कि आप इसमें देसी खाद दीजिए, बिना पैसे की खाद, यानी कि गोबर की खाद आप दे सकते हैं, सब्जियों की खाद दे सकते हैं, जैसे सब्जी के छिलके होते हैं, फलों के छिलके होते हैं उनसे जो खाद बनाई जाती है वो दे सकते हैं। इसके अलावा जो प्याज का छिलका होता है उसकी खाद भी आप इन पौधों को दे सकते हैं, बहुत अच्छे से इसमें फ्लावरिंग होगी, फ्लावर का साइज़ भी बढ़ेगा। दूसरा, अगर आपके पौधे में फ्लावर का साइज़ कम हो रहा है तो उसका एक तो रीज़न ये हो सकता है कि आप उसमें बहुत कम पानी दे रहे हैं, दूसरा आप उसमें बहुत ज़्यादा पानी दे रहे हैं, और तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपने उसमें उसको छाया में रखा हुआ है। तो देखिए शेड में इन प्लांट को बिल्कुल भी नहीं रखना है, मान लीजिए आपने ऐसी जगह रखा है जो इनडोर तो नहीं है, मतलब वैसे तो आपने बाहर आसमान के नीचे रखा है पौधे को, लेकिन वहाँ पे सनलाइट ज़्यादा नहीं आती है, तो ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे फुल डे की सनलाइट को एक्सपीरियंस कर सकें। तो ये जो प्लांट है ये फुल डे सनलाइट को पसंद करता है, टेम्परेचर को पसंद करता है, धूप लगने पर ये पौधा जो है इसके फूल खिलते हैं और बहुत अच्छे से चलता है, और काफ़ी ज़्यादा इसमें देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे फूल आते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है देन प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, थैंक यू सो मच।